हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। डर के ऊपर जीत प्राप्त करना, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 41 उसकी 10 आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं बल्कि प्रेम, संयम और साहस का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है। आज आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको उसका सामना करने की जरूरत है। याद रखें, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शैतान से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है, ताकि आप किसी भी मुसीबत में, बीमारी में, संकट में ना डरें बल्कि शैतान के ऊपर जीत प्राप्त करें। क्योंकि आपको संसार में कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और अब मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ऐसे समय में आपने डरना नहीं है क्योंकि आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। अगर हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि अय्यूब के अंदर एक डर था कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती ना हुई हो, इसीलिए वो माफी के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था और शैतान ने उसके इसी डर का इस्तेमाल किया और उसको दुख दिया। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि अय्यूब ने कहा कि जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी है। आज कुछ लोगों को ये डर होता है कि कहीं मेरे कारोबार में कोई नुकसान न हो जाए, किसी को डर होता है कि मेरा पति व्यभिचार न करने लगे, कहीं मेरा बेटा नशे न करने लगे, और फिर यही डर उनके जीवन में काम करता है और इसी डर का शैतान इस्तेमाल करता है। आज जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरते हैं तो शैतान आपके इसी डर को सूंघता है और उसी के द्वारा आपको गिराता है। मेरे प्रियो, आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ा है, इसीलिए निडर और दृढ़ होकर रहें ताकि आप शैतान की बातों से बचकर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें और अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त करें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ चलूंगा और कभी भी नहीं डरूंगा, ताकि मैं अपने जीवन में आपकी योजना को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।